देखिए हम लोग डिस्कस करेंगे जीवन के सबसे छोटी इकाई कोशिका के बारे में आज पढ़ाई करेंगे, ठीक है। ए बायोलॉजी का क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जिसे सेल कहते हैं, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो सबसे पहले समझिए कि सेल होता क्या है, ठीक है। तो सेल को बताया जाता है, अगर इसका डेफिनेशन की बात करते हैं तो बताया जाता है इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। सेल इज द इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। कोशिका क्या है? तो ए जो है आपका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। देखिए हम स्टार्टिंग में ही जब साइंस के बारे में पढ़ाए थे तो आपको बताए थे कि कोई स्टोरी नहीं है लिटरेचर का, जो हम कह दिए उसको आपको फॉलो करना होगा। इसमें हर चीज के पीछे क्या होता है, कारण बताना होता है। तो किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए हर इंसान का जो उत्पत्ति है वो उसके पेरेंट्स से सेल के द्वारा होता है, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, सेल का ग्रुप कंबाइन होकर के टिश्यू बनाता है और टिश्यू से फिर हमारे शरीर में ऑर्गन का निर्माण होता है और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होता है और तब जाकर के ह्यूमन बॉडी का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, स्ट्रक्चरल यूनिट ये बनावट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप कहोगे कि फंक्शनल यूनिट कैसे है, इससे आपका प्रूफ हो गया कि ये स्ट्रक्चरल यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। क्योंकि सेल से ही लाइफ का शुरुआत होता है, सेल का ग्रुप टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, तब जाकर के ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है, ठीक है। तो देखिए इसको हम इस वजह से बोलते हैं कि ये स्ट्रक्चरल यूनिट है। पहले मैं डेफिनेशन क्लियर कर रहा हूँ, उसके बाद इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आखिर सेल क्या है? तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल या फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और इसके बाद इसको स्ट्रक्चरल क्यों कहते हैं? तो देखिए सेल के ग्रुप टिश्यू बनता है, टिश्यू के ग्रुप ऑर्गन, ऑर्गन के ग्रुप ऑर्गन सिस्टम, तब जाकर के ह्यूमन बॉडी का डेवलपमेंट होता है। तो इसलिए इसको स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। अब नॉर्मल एग्जांपल फंक्शनल यूनिट क्यों कहेंगे? अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि व्हाई सेल इज नोन एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना, तब हम लोग को समझना होगा ना आखिर फंक्शनल यूनिट इसे क्यों कहेंगे। तो फंक्शनल यूनिट कहने के पीछे वजह होती है, देखिए व्हेन वी कंसीडर, देखिए जैसे कि एज वी नो दैट जो हार्ट पंप्स द ब्लड, है ना, जैसा कि हम जानते हैं हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप्स करता है, ठीक है ना। और एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में हर ट्रांसपोर्टेशन या ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है। तो हार्ट में जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है वो स्पेशल सेल परफॉर्म करती है जिसका नाम है कार्डियक सेल, कार्डियक सेल विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है। इसीलिए हार्ट को क्या किया जाता है, कंसीडर किया जाता है एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो देखिए डेफिनेशन क्लियर हुआ, सेल क्या है, तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन का इकाई है। कुछ लोग कहते हैं ना सेल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ये कोई पार्ट नहीं है, ठीक ना, ये इकाई है जहां से बेस होता है। जैसे कि घर है, कोई बिल्डिंग बना हुआ है, उसका इकाई क्या है बताइए, ईटा है कि नहीं, वो ईट जुड़ा करके क्या बना हुआ है, एक बहुत बड़ा बिल्डिंग खड़ा कर दिया गया है। तो इसी प्रकार से सेल कंबाइन होकर के टिश्यू, टिश्यू कंबाइन होकर के ऑर्गन, ऑर्गन कंबाइन होकर के ऑर्गन सिस्टम, तब जाकर के ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है। इसलिए इसको स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहेंगे? तो देखिए नॉर्मल जैसे ले रहे हैं हार्ट बीट सप्लाई कर रहा है ब्लड को, और इसी प्रकार से क्या है, हम लोग अलाइव हैं या सर्वाइव कर रहे हैं। तो ये जो हार्ट पंप कर रहा है, इसका जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है उसको रेगुलेट कौन हो रहा है, कर रहा है। तो उसका कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, उसका स्मॉलेस्ट यूनिट हार्ट का जो सेल बना होता है वो कार्डियक सेल से बना होता है, समझ रहे हैं। तो कार्डियक सेल जो होता है वो क्या करता है, परफॉर्म करता है फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। अतः कह सकते हैं कि सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ।
क्लियर हो रहा है। इसके बाद देखिए डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में, और इसका अगर साइंटिफिक टेक्निकल नेम बात किया जाए कि व्हाट इज द टेक्निकल नेम ऑफ सेल, द सेल का जो टेक्निकल नेम है उसको हम क्या बोलते हैं, साइटो बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो स्टडी आप करते हैं उसको बोला जाता है साइटोलॉजी, साइटोलॉजी, अ स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी, है ना, कोशिका विज्ञान इसको कहा जाता है, ठीक है ना। कोशिका के जो अध्ययन करते हैं, सेल के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं, क्लियर। इसके बाद देखिए इसको सबसे पहले देखा गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा, ठीक है। रॉबर्ट हुक कब देखे थे इनको, 1665 ईस्वी में। देखिए रॉबर्ट हुक क्या कर रहे थे, रॉबर्ट हुक वाज ऑब्जर्विंग द स्लाइस ऑफ कॉर्क, है ना। रॉबर्ट हुक वाज ऑब्जर्विंग द स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर हिज ऑन माइक्रोस्कोप एंड फाउंड डेड हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। And named it cell. This is how cell was discovered. देखिए समझिए किस प्रकार से सेल का खोज हुआ। सबसे पहली बात देखिए, है ना, स्लाइस ऑफ कॉर्क क्या होता है, पेड़ जानते हैं ना, पौधा देखिए ना, पौधा, तो पौधा में आप पढ़े होंगे, जब मैंने टिशू, अभी इसके बाद टिशू जब पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि पौधा, देखिए टिशू से तो फैमिलियर हो गया, क्या ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल मेक्स टिशू, है ना, सेल के समूह टिशू बनाएगा। तो टिशू जब हम पढ़ेंगे ना तो इसका अलग अलग टाइप है, तो उसमें एक टॉपिक पढ़ना होगा आपका प्रोटेक्टिव टिशू, समझ रहे हैं, प्रोटेक्टिव टिशू। और ए प्रोटेक्टिव टिश्यू का दो पार्ट होता है, एक का नाम है ईपीडर्मिस और सेकेंड का नाम होता है कॉर्क, ठीक है ना। ए प्रोटेक्शन देती है पौधा में, तो जब वो क्या किए थे, स्लाइस ऑफ कॉर्क, है ना, पेड़ के जो बार्क होता है, छाल जो होता है, उसको ले करके अपना द्वारा जो उनका उनका खुद का जो माइक्रोस्कोप था उसके अंदर वो देख रहे थे, ठीक ना। तो जब देख रहे थे ना तो हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, मधुमक्खी के छत्ता देखे, है ना, बीहाइव्स, मधुमक्खी का छत्ता देखे आप, मधुमक्खी के छत्ता जैसा उसमें स्ट्रक्चर दिया, तो उस कंपार्टमेंट को, इस प्रकार से जालीदार जो दिख रहा था ना, तो इस कंपार्टमेंट को ना उनका नाम सेलुला बोले, और ये बोले ना कि यही क्या है, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, इसी को एक कंपार्टमेंट में बांट दिए और बोले कि सेल है, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक जिस सेल का खोज किए थे वो डेड सेल था, समझ रहे ना, रॉबर्ट हुक जिस सेल के बारे में बताए थे वो डेड सेल था। उसके बाद एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है एंटोन वैन लीवेनहुक, और ए 1674 यानी 1674 में लिविंग सेल के बारे में बताए थे। तो लिविंग सेल के बारे में बताए थे कौन, एंटोन वैन लीवेनहुक इन 1674। देखिए अभी हम डिस्कस कर लिए सेल क्या है, तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, देख लिए। स्ट्रक्चरल क्यों कहते हैं, इसका बनावट मैंने बता दिया आपको, फंक्शनल क्यों कहते हैं, तो इसलिए इसका भी उदाहरण देकर के और उस प्रकार से किसी प्रकार से भी आप बता करके चल सकते हैं उसमें, ठीक है ना। मूवमेंट जो हो रहा है लेग में, लेग का मूवमेंट हो रहा है, उसमें मसल्स है, उसका मसल्स वो क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वो परफॉर्म करना है, वॉकिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान में जा रहे हैं, ठीक है। तो सेल ही क्या करती है, उसका ग्रुप हेल्प करके फंक्शन करवाता है, इसलिए सेल को फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। डेड सेल का खोज किसने किया था, तो सबसे पहले जो खोज किए थे उनका नाम है रॉबर्ट हुक इन 1665। कैसे किए थे तो बताया ना, क्या किए थे, स्लाइस ऑफ कॉर्क, कॉर्क का एक टुकड़ा लिए, उसके बाद उसको माइक्रोस्कोप के अंदर में देखे, तो देखे कि हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, मधुमक्खी के छत्ता जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा था, और उसी को कंपार्टमेंट को बोले कि ना कंपार्टमेंट है, यही सेल है, ठीक है। लेकिन उसके बाद देखिए, है ना, लिविंग सेल का जो खोज किए थे एंटोन वैन लीवेनहुक ने इन 1674, है ना, इन्होंने क्या किया था, इसका खोज किया
किया था 1674 में। इसके बाद आप देखिए थ्योरी ऑफ सेल, सेल के जो थ्योरी देने वाले वो कौन थे, द स्केल्डियन एंड स्वान, है ना, ये दोनों मिलकर के सेल के बारे में थ्योरी दिए थे, ठीक है ना। तो जो ये थ्योरी दिए थे वो क्या कहता है, द थ्योरी ऑफ द सेल था, जो थ्योरी ऑफ सेल है ना, या सेल थ्योरी जिसे हम कहते हैं, ये बताया क्या कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ये सेल जो है आपका बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है जीवन का, ठीक है। सेकेंड बताया थे ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑकर्स इनसाइड द सेल, ठीक है। इसमें दो हो गया, स्ट्रक्चरल यूनिट हो सकता है, सेल इज द फंक्शनल यूनिट हो सकता है, है ना। इसमें देख सकते हैं सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आप फिर एक बोले थे एवरी न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। ये सेल थ्योरी के बारे में चर्चा किए थे स्केल्डियन एंड स्वान, ये बताए थे कि सेल जो है आपका बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है। जितना भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी किसको कहते हैं, सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन दैट ऑकर इनसाइड द सेल, सेल के अंदर में जितना उसको जो लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करनी होती है उसके लिए जो प्रोसेस होता है, जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और इस मेटाबॉलिज्म के दो भाग में बांटा गया है, कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म, ठीक है, बात को समझ रहे हैं। इसके बाद देखिए बोले सेल जितना भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगा वो सेल के अंदर में होगा, सेल इज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये फंक्शनल यूनिट है, और एवरी न्यू सेल, जैसे कि मान लीजिए कि ठंडा का टाइम में ना हमारा होंठ फटना शुरू हो जाता है, तो वो क्या होता है ना, ऊपर वाला सेल जब हटाएंगे तो वो व्हाइट निकलेगा, फिर अंदर से क्या होता है कि नया सेल, तो हर नया सेल जो अराइज करेगा वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज करता है, माने जो पहले रह रहा है उसी से नया का उत्पत्ति होता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट सेल थ्योरी, ये सेल थ्योरी के बारे में था। इसके बाद देखिए अ स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, है ना, कोई पूछेगा कि सबसे छोटा सेल कौन सा है, तो उसको बोलते हैं माइकोप्लाज्मा, ठीक ना, माइकोप्लाज्मा है। और लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड वो है आपका ऑस्ट्रिच एग, ठीक ना, लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड जो है वो ऑस्ट्रिच एग हो गया, शुतुरमुर्ग का अंडा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ह्यूमन बींग्स के केस में पूछा जाए कि ह्यूमन बींग्स में बताइए कि लार्जेस्ट सेल कौन है, स्मॉलेस्ट सेल कौन है, तो देखिए स्मॉलेस्ट सेल हो जाता है किसको कहते हैं, ह्यूमन बींग्स में जो मेल स्पर्म है वो हो गया आपका स्मॉलेस्ट सेल, और लार्जेस्ट सेल में आ जाता है ह्यूमन बींग्स के केस में जो फीमेल में ओवा रिलीज होता है वो, और लॉन्गेस्ट सेल जो होता है वो न्यूरोन सेल। लेकिन एक खासियत क्या है कि न्यूरोन सेल जो होता है ना ये आपको डेवलप नहीं कर पाता है, ठीक ना, मतलब सेल डिवीजन का कैपेसिटी नहीं होता है। सेल डिवीजन पढ़ेंगे वो क्या होता है, वो डिवाइड करके उसका मतलब आगे फॉर्मेशन करते रहती है उसको बोलते हैं। तो न्यूरॉन सेल में सेल डिवीजन नहीं होती जबकि इसमें सेल डिवीजन होता है, ठीक है ना। तो स्मॉलेस्ट सेल अगर पूछा जाए तो स्पर्म सेल, लार्जेस्ट सेल पूछा जाए तो ओवा, लॉन्गेस्ट सेल हो गया वो आपका न्यूरॉन सेल, ठीक है। और ये जितना भी हम पढ़ रहे हैं है ना, ये बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, और ये बायोलॉजी क्या होती है, तब बताया थे आपको ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ, है ना, माने वैसा विज्ञान का हिस्सा जिसमें हम क्या करते हैं, जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और इसका ये पार्ट वगैरह आप देख लिए, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना, और एक मेटाबॉलिज्म क्या होता है इसको भी समझ लीजिए, इसको भी दिखा देते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या है, तब बताएं सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन That occurs inside the cell. Chemical reaction that occurs inside the cell.
दैट ऑकर्स इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल। ठीक है, तो यहाँ पे मेटाबॉलिज्म क्या बता रहा है, सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन दैट ऑकर्स इनसाइड द सेल। और ये जो मेटाबॉलिज्म होता है इसको दो फॉर्म में आगे जाकर के डिवाइड किया गया है, एक का नाम है कैटाबॉलिज्म और सेकेंड है आपका एनाबॉलिज्म। ठीक है, कैटाबॉलिज्म में एनाबॉलिज्म में बिल्डअप रिएक्शन आता है और कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, ब्रेकडाउन रिएक्शन, जैसे कि ग्लूकोज टूटता है। तो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ लाइफ सेल। थैंक यू।